जय दोस्तों, क्या चाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए कि दोस्तों आपके बीएड सेकेंड ईयर 2023, जी हां, जो पेपर 10 अगस्त को खत्म हुआ था उस पेपर का फाइनली रिजल्ट आ गया। बिल्कुल आप इसको अनबिलीवेबल, इस रियली सरप्राइजिंग न्यूज, इतनी जल्दी पहली बार बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ रहा है रेगुलर का। लेकिन मानो या ना मानो, ये हकीकत है और ये फैक्ट है और ये सच्ची खबर है कि अवध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर जो इस बार एग्जाम हुए थे उनका रिजल्ट आ गया। तो उसी से संबंधित बातें करेंगे। कुछ बच्चों की समस्याएं हैं कि उनके कॉलेज का रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इन तमाम तरीके की बातों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आइए जान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा अभी तक, जी हाँ अभी तक, अगर आप अपना रिजल्ट नहीं चेक कर पाए हैं तो आप अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, वहां पे आप सिंपली क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका डायरेक्ट और रिजल्ट वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। वहां से आप अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा कोड के हिसाब से और वहां से डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम सीधे बेसिक पे आ जाते हैं। बेसिक सी बात यह है दोस्तों कि आपको सिंपली सिलेक्ट क्या कर लेना है, गूगल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा RMLAU 2023 रिजल्ट, या फिर RMLU डायरेक्ट सर्च करेंगे तो नीचे रिजल्ट का ऑप्शन आएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे आप सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए आइएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा बीएड सेकेंड ईयर, ऊपर 2023 लिखा होगा, नीचे बीएड सेकेंड ईयर लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, एक तरफ आपका सीरियल नंबर, दूसरी तरफ आपका कॉलेज कोड और तीसरे कॉलम में आपके कॉलेज का नाम लिखा रहेगा और चौथे कॉलेज में लिखा रहेगा व्यू रिजल्ट। व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको डालना है आपका रोल नंबर, आपका अनुक्रमांक और उसके बाद क्या, उसके बाद तगड़ा बवाल, आपका रिजल्ट आपके हाथ में, आपका रिजल्ट आपके सामने। तो ये बात हो गई दोस्तों रिजल्ट की। अब हम वन बाय वन टॉपिक पे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस लिस्ट में अगर आप चेक करेंगे ना तो कुछ बच्चों के ऐसे होंगे जिनका रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, जिनके कॉलेज का नाम नहीं आया। पहले बात कर लेते हैं वजह क्या है कि क्यों नहीं आया। भाई ये हकीकत है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे अभी प्रैक्टिकल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है या फिर रिसेंटली हुई है तो उनके मार्क्स यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो उन बच्चों को बिल्कुल नहीं घबराना है, जल्दी दोस्तों 1 से 2 से 3 दिन में, उससे भी जल्दी दोस्तों, हो सकता है कहीं कल ही तक अपडेट हो जाए तो जरूर अपडेट होगा और तुरंत अपडेट होगा, इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ आप प्रैक्टिकल देने जरूर जाइएगा, मार्क्स वहां से जैसे ही यूनिवर्सिटी में आती है अब वहां से अपडेट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी अपडेट होगा सारे बच्चों का एक साथ अपडेट हो जाएगा, तो इसमें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप अगर आपके कॉलेज का नाम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपका ही कोई प्रॉब्लम हो, नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका नाम नहीं दिख रहा है तो वो जल्द ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी किसी बच्चे को। तो आपको क्या करना है, भाई रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, तो देखिए जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ उनको प्रैक्टिकल देने जाना है, आपकी रिपोर्ट तो वहां सबमिट होगी ना। अगर रिजल्ट आने के बाद भी अगर आपके कॉलेज वाले बुलवा रहे हैं तो आप जरूर जाइएगा, आप अपने फाइल सबमिट करिएगा, जो भी प्रोसेस होता है उसको होके जाइएगा। अगर रिजल्ट आ गया तो बहुत हद तक संभावना है कि कोई यूनिवर्सिटी से फैकल्टी वहां पे नहीं मिलेगा आपको, मगर फिर भी ये आपका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप प्रैक्टिकल में जरूर अपियर हों। तो आपका प्रैक्टिकल रिजल्ट आया या नहीं आया, अगर आपके कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के लिए बुला रहे हैं तो आपको कन्फर्म 101% जाना है। ठीक है, तो कॉलेज में प्रैक्टिकल कब जाना है, कैसे जाना है, ये तो आपके कॉलेज आपको कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताएगा या फिर पर्सनली आपको मैसेज जरूर करेगा। तीसरी बात दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कब आएगा। देखिए अब फर्स्ट ईयर की थोड़ा सा लेट आता है, ये जेन्युइनली भाई ये श्योर है कि बीएड का जब रिजल्ट आता है उसे 10 से 15 दिन के अंतर्गत समय लगते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के रिजल्ट आने में। तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत जल्द आपके भी रिजल्ट आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर वाले तो जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वो तो कन्फर्म प्रैक्टिकल देने जाएंगे, तो आप अपना प्रैक्टिकल दीजिए, वाइवा की तैयारी करिए, फाइल लिखिए और जैसे ही आपको रिजल्ट आता है दोस्तों यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो को समाप्त नहीं करेंगे, एक बहुत ही खास सूचना और बहुत ही खास बात आप सबसे करनी है। वो बात क्या करनी है, अब मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं, मैं उसको आपको दिखा दूं, फिर उसके बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप सबको भी अपना रिजल्ट और ऐसे ही आपको मुझे मैसेज भेजना पड़ेगा। और एक जो बच्चे का रिजल्ट आया है आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी कितनी अच्छी परसेंटेज आई है, और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब ऐसे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे भेजते हैं। आपको भी अपना रिजल्ट भेजना है तो कैसे भेजेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ये तीन वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी ले लीजिए janetalk01, ठीक है, टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप मुझे जरूर अपना रिजल्ट और अपना फोटो भेजिएगा, जरूर भेजिएगा, ठीक है, तो आप हमें जरूर वहां से भेज दीजिएगा।
अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, बहुत ही खास है ये, सबको देखना चाहिए, मजा आएगा देख के आपको, हमें भी देखने को मिला था। जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक मैसेज आया था मेरे टेलीग्राम पे, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है, थैंक यू सो मच सर, एक वीक में आपके ही वीडियो देखकर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं। इनका दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, इनके परसेंटेज आए हैं 85.3% इनका आया है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि अगर ये मानती हैं कि मेरे वीडियोस इनके लिए हेल्पफुल रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, एक और मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ जो कि मुझे व्हाट्सएप पे मिले थे, इनका 85.2% है यहाँ पे इनका परसेंटेज, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने इतना परसेंटेज अच्छा लाया, मेरी तरफ से बहुत 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 कंग्रेचुलेशन और बधाई। दोस्तों एक लास्ट रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो में इसी रिजल्ट के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूंगा, लेकिन हाँ खास रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगला रिजल्ट आपका होना चाहिए और मेरे व्हाट्सएप पे जरूर आना चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर आना चाहिए। इस रिजल्ट को देखिए, इस रिजल्ट को देखेंगे आप कितने खुश हो जाएंगे, मैं तो सीरियसली मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। 90.6% दोस्तों, 90.6% के साथ आदर्श रजा देखिए दोस्तों, आदर्श रजा का परसेंटेज अगर आप देखेंगे, आदर्श रजा का 90.6% 433 आउट ऑफ 500 दोस्तों, 453 नंबर इनको 500 में प्राप्त हुए बीएड सेकेंड ईयर में। इनके मार्क्स पे आपको जरूर एक बार नजर डालना पड़ेगा, आप देखेंगे पहले पेपर में दोस्तों 67 नंबर, और दूसरे पेपर में 67 नंबर, और तीसरे पेपर में 64 नंबर। इस बेहतरीन मार्क के साथ इन्होंने सेकेंड ईयर क्लियर किया है। आदर्श रजा जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए, आने वाले जीवन के लिए, और इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई आपको, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दोस्तों इस तरीके के मुझे कुछ रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, अभी एक फाइनल वीडियोस बनेगी, उसमें जितने भी बच्चों के नंबर आते हैं उन सबको ऐड किया जाएगा एक बेहतरीन, जैसे पिछले साल बना था ना, तो फर्स्ट ईयर वॉरियर, इस बार भी सेकेंड ईयर वॉरियर बनेगा और आप सब उसके हिस्सा बनने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आदर्श रजा ने भेजा था हमें ये फोटो और आपके रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट है वो हमें भेज दीजिएगा, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीग्राम पे, जहां भी चाहे आप हमें भेज दीजिएगा, जल्द भेजिएगा, क्योंकि हो सकता है वीडियो बना दूं तो फिर आपका रह जाएगा, इसलिए आप भेज दीजिएगा। कितने परसेंटेज मैटर नहीं करते दोस्तों, आप भेजिएगा, जरूर भेजिएगा, उसमें शामिल किया जाएगा, और हमें देखना है कि इस बार का टॉपर कौन है, जो टॉपर होगी उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा, उनसे खास बातचीत करी जाएगी और इस तरीके से चर्चे से जुड़ा जाएगा। तो एक और बात यह है कि बीएड सेकेंड ईयर के रिजल्ट आने के बाद आप सब जुदा होने वाले हो, आप सब जाने वाले हैं, तो आगे की पढ़ाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जेन्युइन फीडबैक कमेंट में दे दीजिएगा, जेन्युइन फीडबैक कि आपने जो सेशन हमारे साथ करा, जो समय आपने हमारे चैनल पे दिया था, कि क्या वो समय का सही उपयोग हुआ कि नहीं, क्योंकि आज फैसले का दिन बस आपके लिए नहीं है। दिस इज नॉट रिजल्ट डे फॉर यू, इट्स ऑल्सो अ रिजल्ट डे फॉर मी, बिकॉज दिस रिजल्ट इज गोइंग टू जज माई कॉन्ट्रीब्यूशंस, माई वर्क, माई इफिशियंसी, दैट हाउ मच आई हैव वर्क फॉर यू, सो दिस इज ऑल्सो गोना गिव मी अ रिजल्ट। तो आप कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, और कमेंट में जो आपके वर्ड्स होंगे दैट विल बी रिजल्ट फॉर मी, तो वो मेरे लिए रिजल्ट का काम करेगा, वो मेरे लिए फीडबैक का काम करेगा, ताकि आने वाले जो बच्चे आएंगे, जो इस बार जो बीएड फर्स्ट ईयर में होंगे, या जो अभी फर्स्ट ईयर में है सेकेंड ईयर में आएंगे, या जो नए बच्चे फर्स्ट ईयर में आएंगे, उन्हें लगेगा कि ये जो लड़का है, ये जो बालक है, ये जो भैया है, ये जो दोस्त हैं, वो सच में जो पढ़ाते हैं वो काम आता है कि नहीं आता है, इनके पढ़ाने से, इनके साथ स्टडी करने से रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं आता है। तो दोस्तों ये रिजल्ट का दिन है, आपका भी और मेरा भी। एक इमोशनल मोमेंट होता है जब एक नया सेशन कंप्लीट होकर जाता है, सीढ़ी वहीं रह जाती है और गुजरने वाले लोग अपनी मंजिल को पा जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको आपकी मंजिल मिले, जो आपने सपने देखे हैं शिक्षक बनने का, शिक्षिका बनने का, वो पूरा हो, एक अच्छे शिक्षक बने, अच्छी शिक्षिका बने, इस देश की सेवा करें, और आने वाले बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, उनके भविष्य सुधारें, इस देश का भविष्य सुधारें। इसी प्यारे शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए, जिनका रिजल्ट आ गया बहुत बहुत बधाई आपको, जिनका नहीं आया थोड़ा सा इंतजार करेंगे, आपका भी रिजल्ट ऐसे ही आएगा और बहुत बेहतरीन आएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, इस सेशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ के, इस सेकेंड ईयर में जो आप जो फर्स्ट ईयर से जुड़े हैं, सेकेंड ईयर में जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आशा करते हैं आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो दिस इज द फेयरवेल वीडियो, एक और बना लेंगे फेयरवेल वीडियो, बट इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, और अपने आने वाले जूनियर बच्चों को बताएं कि एक चैनल है जहां पे आप पढ़ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।